नमस्कार, मैं दीदी फौजदार और आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा सेगमेंट सेहतनामा। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। यह हड्डियों को मजबूत बनाना और इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में काफ़ी ज़रूरी होता है। कई तरीके के रोगों से बचाने में भी हमारे लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। सूरज की रोशनी इसका सबसे नेचुरल सोर्स है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपको धूप से सेंसिटिविटी हो तो आप धूप ले सकते हैं या नहीं? धूप से सेंसिटिविटी होने के बावजूद भी आप सही तरीके से धूप ले सकते हैं और विटामिन डी की कमी से बच सकते हैं। आइए जानते हैं कि सुबह के समय की नर्म धूप आपके लिए कितनी लाभदायक होगी। उसके लिए आपको 15 से 20 मिनट के लिए हाथ और पैर और चेहरे पर थोड़ी देर के लिए धूप लगाना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से शरीर में काफ़ी कमजोरी आ जाती है। छाएदार जगहों का इस्तेमाल करें। अगर आपको सीधे धूप नहीं लेनी है तो छाएदार जगहों पर बैठकर किताब पढ़ना या थोड़ा बहुत घूमना या योग करने से भी आप थोड़ी बहुत विटामिन डी ले सकते हैं। कपड़ों को सही तरीके से पहने, यानी कि ढीले ढाले कपड़े पहने। साथ ही टोपी और चश्मा का इस्तेमाल भी सूरज की रोशनी से कम हो सकता है। विटामिन डी सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप काफ़ी तरीके के विटामिन डी सप्लीमेंट्स लें, बट डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर लें विटामिन डी सप्लीमेंट लेने से पहले। इसके साथ ही आप इस बातों का भी ध्यान रखिए कि सेंसिटिविटी होने के मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल भी धूप ना लें। सूरज के सामने थोड़ी देर बैठिए और थोड़े अपने शरीर को विटामिन डी के लिए भरपूर कीजिए। शरीर को विटामिन डी लेना बेहद ज़रूरी होता है। ऐसा कि माना जाता है कि विटामिन डी की कमी से शरीर में काफ़ी कमजोरी आने लगती है। इसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि खुली गर्दन या थोड़ी देर बैठना या ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी होता है। खासकर अगर आप लंबे समय तक बाहर रहने वाले हैं तो शरीर में विटामिन डी की कमी देखने को मिल सकती है। अगर आपको ये कुछ लक्षण या ऐसे हड्डी या पेट में दर्द या थकान या डिप्रेशन, जल्दी बीमार होना या त्वचा या बाल झड़ने जैसी समस्या हो तो समझ जाइए कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। इसी के लिए आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आपको अपने बैलेंस डाइट भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। बैलेंस डाइट के लिए आप कुछ चीज़ों को अपने बैलेंस डाइट के में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि सर्दियों के मुताबिक आपको ताज़ा सब्जी खाना और काफ़ी हेल्दी फूड को इनटेक करना चाहिए। ऐसे न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नकदी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।